हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए अप्लाई करना सीखेंगे ऑनलाइन तरीके से, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। देखिए, सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। मैं लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटी के छात्र हैं, यानी कि जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें देखिए सबसे ऊपर प्री मैट्रिक यानी 9-10 के लिए, ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए है, मतलब कि जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो दूसरी बार भी भर रहे हैं, जो मान लीजिए 9 में भरा था, उन्होंने 10 में भरा था, 11 में भरा था, 12 में भरा था, फिर से आप डिप्लोमा वगैरह करने आए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए है, यानी कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। पोस्ट मैट्रिक मतलब 11-12, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि जब आप 11-12 पास जाते हैं उसके बाद से डिप्लोमा करते हैं, ITI, BTEC वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, उनके लिए है, तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले SC ST जनरल के लिए यहाँ पे है, जो मेजोरिटी के छात्र हैं, OBC का केवल इसमें है, इस वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे माइनॉरिटी के छात्र है जो कि यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, उनके लिए। तो चलिए, हम एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से कुछ बेसिक सी चीज़ों को भरेंगे। तो यहाँ पे हम अल्पसंख्यक स्टूडेंट का एक करेंगे, और वो भी प्री मैट्रिक स्टूडेंट का, सबका। देखिए, आप 9, 10, 11, 12 या फिर डिप्लोमा, ITI, BTEC किसी के भी छात्र हैं, सबका प्रोसेस एक होता है, बस देख लें आप प्रोसेस को, उस हिसाब से आप कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि आपको पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग डालना है, एक विशेष अक्षर रहे और एक कैपिटल लेटर है कम से कम, और यहाँ विशेष अक्षर #@ वगैरह रहे, और सभी को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरना है। जो भी आप फॉर्म भरेंगे सभी को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरना है। सबसे पहले देखिए डिस्ट्रिक्ट दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, इनका डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, तो यहाँ पे कुशीनगर यहाँ पे सिलेक्ट, सभी जिला यहाँ पे, सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होंगे। उसके बाद से थोड़ा सा रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिक ये, उसके बाद से नीचे क्यों आएंगे, शिक्षा संस्थान, देखिए इनका क्या है, आनंद मिशन इंटरमीडिएट कॉलेज ब्लॉक फाजीनगर। उसके बाद से वर्ग, जाति, समूह, अल्पसंख्यक वर्ग के स्टूडेंट हैं, इनका डायरेक्ट एक ही ऑप्शन ही आएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन है, धर्म, कौन से धर्म से हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे तो यहाँ पे मुस्लिम है, और यहाँ पे छात्र, छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ये ब्लर करके मैं भरूंगा सिक्योरिटी रीजन के लिए। लिंग क्या है, लिंग यहाँ पे फीमेल, ठीक है, और सिलेक्ट ईयर, जो इन्होंने कक्षा 10 का पास किया था तो 2022 में इसी साल पास किया था। विद्यालय का नाम क्या रहेगा, तो विद्यालय का नाम अभी आपने ऊपर देखा वही भरना है, और मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर, और ईमेल ID और पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं भर के ब्लर करके और आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये तो बेसिक सी चीज़ें, इसको आप भरी लेंगे। ठीक है, हाँ, पासवर्ड में थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे, अगर आपका पासवर्ड ले नहीं रहा है, सेव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पासवर्ड को कहीं जाएंगे, कहीं टेक्स्ट करेंगे व्हाट्सएप वगैरह में, वहां पे लिखेंगे पहला अक्षर आपका कैपिटल रहे और सारी चीजें स्मॉल रहे, उसके बाद से @ लगा करके 0, 5, 6, 3, 4 अक्षर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर, मतलब कॉपी लिखेंगे वहां पे से कॉपी करके यहां पे ला करके डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे दोनों में, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में। चलिए, मैं इसको ब्लर करके उसके बाद से आगे की ओर बढ़ता हूँ फिलअप करके। अब देखिए फाइनली सारे डाटा फिलअप हो गए हैं, कुछ चीज़ें ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपका जब रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, थोड़ी सी साइट वगैरह बिजी चलती है फिलहाल में। अब देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड वगैरह सेव कर लेना है, पासवर्ड को सेव कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है, इसको आपको नोट कर लेना है, इसको आपको प्रिंट भी कर लेना है। यहाँ पे नीचे भी आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको प्रिंट करके यानी कि PDF के फॉर्म में आपको इसको सेव कर लेना है। यहाँ से आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको सेव कर लेना है, ये आपके पास सुरक्षित रहेगा यहाँ पे। अब देखिए आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक चले आना है, बैक आइए। अब एक बार फिर से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, और यहाँ पर देखिए 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फ्रेश लॉगिन पे आपको क्लिक किया रहना है थोड़ा देर, फिर साइड में क्लिक कर देना है, और आपने किसके लिए, प्री मैट्रिक स्टूडेंट क्लिक किया था, तो इसके लिए आपको लॉगिन करना है। अब आपको जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था और आपने जो पासवर्ड डाला था उसी की सहायता से, और डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे कैप्चा भर के यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सारी चीज़ें आपको मिली गई हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है अभी आपने फॉर्म भरा तो, और डेट ऑफ बर्थ आपको याद ही है, पासवर्ड आपको याद ही है, कैप्चा यहाँ पे भर के मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब देखिए फाइनली यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप हो गई हैं, यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास फिल फॉर्म का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए Step 1, Step 2, इसको मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप साइड पे कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा बेहतर रहेगा आपको दिखने में भी, दिखाने में भी। यहाँ देखिए आप एक बार और लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए रिफ्रेश करने पर डेस्कटॉप साइड पर करने पर बैक आ गया, तो चलिए मैं एक बार और भर के लॉगिन। अब देखिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पूर्व दशम कक्षा 9-10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली 2022-23, यानी कि 2022 रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सारे प्रोसेस आपको दिख रहे होंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो, आप देखिए
आपका एक फ़ोटो रहेगा जेपीजी में, 20 KB के आसपास इसकी साइज रहेगी, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो, और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम और कास्ट दोनों ये लगेगा आपका प्रूफ के तौर पे। और यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन आ रहे होंगे, दूसरा ऑप्शन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा 3 पैरेलल लाइन का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे स्टेटस में आ जाएंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट आपने कर लिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगे। और नीचे की ओर आएंगे यहाँ पे, फिर से देखिए शायद डेस्कटॉप साइड पे, हाँ चलिए डेस्कटॉप साइड पे है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन तो कम्प्लीट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है, जैसे व्यक्तिगत विवरण में, उसके बाद से नीचे की ओर बहुत सारे इसमें ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद से अन्य विवरण में, इसमें आपको क्लिक करके और यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीज़ें कि अगर आपके छात्र के माता पिता विधि अभिभावक संरक्षक की स्थिति क्या है, जीवित है मृतक है, डेट ऑफ बर्थ उनका भरना है, यहाँ पे उसके बाद से कैप्चा भर के यहाँ पे सबमिट करना है। तो मैं सारी चीज़ों को देखिए बेसिक से डिटेल्स है जो आपको कठिन लगेंगे मैं उनको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे ऊपर की ओर आएंगे, ये तो आपका पंजीकरण है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। नीचे की ओर आएंगे, यहाँ से देखिए व्यक्तिगत विवरण से, ठीक है, विगत स्कूल का नाम, यानी कि आप मान लीजिए कि 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप का, तो आप 8 में किस में पढ़ते थे उस कॉलेज का नाम, ठीक है, उस वक्त का परीक्षाफल, आप पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं, पूर्णांक कितने पूर्णांक का था, 500 का था, 1000 का था, और उसमें आपने कितना प्राप्त किया है, और बैंक का नाम आपको सिलेक्ट करना है, फिर जनपद का नाम आपको सिलेक्ट करना है, फिर ब्रांच का नाम कौन सा ब्रांच है आपके बैंक का, फिर छात्र छात्रा में बैंक खाते में अंकित नाम, आपके जो बैंक यानी पासबुक पे अंकित नाम है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, IFSC कोड, छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद से बैंक खाता संख्या दोबारा डाल एक बार और आपको डाल के कन्फर्म करना है। अब देखिए कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, फिलहाल में आप अध्ययनरत हैं यानी कि 9 के लिए भर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं है। कक्षा में प्रवेश तिथि, आपने किस तारीख को किस दिनांक को आपने प्रवेश लिया था तो वो आपको फिलअप करना है। और बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, आपको जो बोर्ड का पंजीयन क्रमांक मिला है वो अगर नहीं मिला है तो NA यानी नॉट एप्लीकेबल फिलहाल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बोर्ड का नाम यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, उसको सिलेक्ट करना है। ट्रांसफ़र TC जो आपकी मिलती है, एक TC आपको मिलती होगी जिस भी कॉलेज से आप निकल के दूसरे कॉलेज जाते हैं, वो अगर उसी में पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर निकल के गए हैं कहीं और तो आपको TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, उसका दिनांक लगेगा और पता आपको भरना है अपना, फिर से पिन कोड। अन्य विवरण में क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है तो नो आपको कर देना है, ये सारे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक अगर नो कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको ओपन होकर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर यस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें भी अप्लाई किए हैं, तो इसमें आप एक ही में आपको अप्लाई करना होता है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में या फिर UP स्कॉलरशिप यानी कि जो आपका सेंट्रल स्कॉलरशिप होता है वो जो भारत सरकार द्वारा देता है और ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे कि आपको सिलेक्ट है ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट देख रहेंगे और यहाँ देखिए माता पिता अभिभावक सेवाएं संबंधित दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का विवरण, यहाँ पे प्रमाण पत्र के विवरण में भी आपका सिलेक्ट है। यहाँ पे ध्यान देंगे विकलांगता प्रकार यदि हो तो आपको अगर विकलांग होंगे तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि कई लोग विकलांगता में होते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप थोड़ी सी ज़्यादा आती है तो वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, और विकलांगता भत्ता रुपये में, तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद से यहाँ देखिए पिताजी आपके मतलब आपके गार्जियन वगैरह हैं कि नहीं है, अगर आपके उनकी डेथ हुई है तो कब हुई है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, अगर जीवित हैं तब ये ऑप्शन आपके ओपन होके नहीं आएंगे। फिर से लास्ट में आपको कैप्चा भरना है, यहाँ पे आपको एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर सबमिट करना है। तो फाइनली आपको इसी प्रकार से इसी स्टेप्स को बस आपको रजिस्ट्रेशन हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर लिया है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना है, उसके बाद से फोटो वगैरह अपलोड करने हैं, फिर से कुछ बेसिक चीज़ें आवेदन पर संशोधन करना है, आयजात पर जो आपके आयजात निवास वगैरह होते हैं उसको लगाना है, और यहाँ पर आधार अथॉरिटी आधार को चेक करना है, वहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा, एप्लीकेशन को लॉक करना है और सातवें ऑप्शन पर रिसीव करके उसको इंस्टीट्यूट में जमा करना है। बहुत बेसिक सी डिटेल्स होती हैं, कुछ इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं होता है और ये सारे प्रोसेस काफ़ी आसान है, हालांकि मैं इसको डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ों को आगे फिलअप नहीं कर सकता मैं, और आप कहेंगे अगर कमेंट कहेंगे तो मैं एक स्टूडेंट का और फिलअप करने जा रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोसेस करके सारी चीज़ों को बता दूंगा। यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ग्रीन टिक होते जा रहा है, तो आपका जैसे ही आप कंप्लीट करते जाएंगे प्रोसेस ग्रीन टिक होते जाएगा और बस आपको बेसिक से डिटेल्स भरनी है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होंगी वो आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे तो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी और आप कहेंगे कि सर आपको एक जेन्यून
मैं आप भर के पूरा दिखा दीजिए कोई वीडियो किसी का, तो मैं आपको पूरा भी भर के दिखा दूंगा। हालांकि फिलहाल मैं केवल डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए सॉरी, केवल डेमो के लिए मैं आपको बता रहा था कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे सारे प्रोसेस को करना है, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ों को आपको बता रखा है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप भी रजिस्ट्रेशन करके सारी चीज़ों को फिलअप कर लेंगे और बहुत बेसिक सी डिटेल्स हैं, डिटेल्स भर के यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तीसरा ऑप्शन आपका टिक सही हो जाएगा कि हाँ तीन ऑप्शन सही हो गया। फिर चौथे ऑप्शन से आपको संशोधन कर लेना है कि संशोधन आप मतलब कोई डाटा वगैरह आपका अगर गड़बड़ है, गलत दिख रहा है, तो उसको आपको संशोधन कर लेना है, फिर आगे की ओर बढ़ना है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।